प्रशासन 31 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगा और 30-40% आबादी जो है ये गुंठेवारी इलीगल एरिया में रहती है। हमारे पास गुंठेवारी 2017 में बंद कर दिया गया। हम तो कार्रवाई पे उतरे तो नहीं है अभी, लेकिन आपको आगाह कर दिया है कि भाई आप होशियार हो जाओ। गुंठेवारी में मतलब गुंठेवारी करने के लिए लोगों को क्या खर्चा आएगा? जैसे किसी का 600 का प्लॉट है तो उसको कितना चार्जेस लगेगा, क्या लगेगा? तो पैसे की बात है, पैसे वसूली की बात है, वो जो खर्चा है वो आपके एरिया में खर्चा होने वाला। ये रास्तों की बात को लेकर ही अगर देखा जाए तो ओल्ड सिटी, जो ओल्ड सिटी आता है अपने एरिया, ये एरिया तो खैर पूरा रजिस्ट्री का है, पर वहां पर भी रोड काफी सालों से सही नहीं है, तो लोग इस पे भरोसा करेंगे कि गुंटेवारी भरने के बाद वो होगा? आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज महाराष्ट्र न्यूज टुडे की टीम आई हुई है एएमसी में। एएमसी में जो गुंटेवारी कानून को लेकर जो लोगों के अंदर अफरा तफरी है, जो एएमसी का एक डिसीजन आया है कि कुछ लोगों के घर पे कार्रवाई की जाएगी जिसने गुंटेवारी के पैसे नहीं भरे, उसके ताल्लुक से हम आज मिलने आए हैं गुंटेवारी विभाग के प्रमुख जैन सर से। तो आइए जानते हैं कि गुंटेवारी कानून क्या है और इससे लोगों को डरना चाहिए या ये लोगों के फायदे की चीज़ है। मैं जयंत खरवड़कर, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद। अभी आप गुंठेवारी के ताल्लुक से आप मुझे जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें पहला अहम सवाल यह है कि हमारे सम्माननीय प्रशासक साहब आस्तिक कुमार पांडे साहब, इन्होंने जो कहा है कि 31 अक्टूबर तक गुंठेवारी का जो सब इलीगल बांधकाम जो है वो उनकी जो मकान मालिक है उन्होंने रेगुलराइज करके लेना चाहिए, मतलब उन्होंने कॉरपोरेशन के पास उनकी फाइल दाखिल करना चाहिए। यदि आप जानबूझ के आपको मिले वाले अगर ये संधि है उसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो प्रशासन 31 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगा, ऐसा आयुक्त साहब ने, प्रशासक साहब ने कहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों को डराने के लिए ये बात नहीं कही गई है। कमिश्नर साहब का एक ये है, ये मिशन बोल के हमने स्टार्ट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। मैं पहले आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे औरंगाबाद शहर में तकरीबन 30-40% आबादी जो है ये गुंठेवारी इलीगल एरिया में रहती है और ये लोग आज सब जो सब हमारी सुविधा है उससे वंचित है। यानी एक ही शहर में कुछ लोग अच्छी सुविधा पा रहे हैं और कुछ लोगों को जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए तरसना पड़ रहा है और इसकी खास वजह यह है कि वो इलीगल एरिया में रहते हैं और गवर्नमेंट का ऐसा पाबंदी है कि इलीगल एरिया में जो कैपिटल हमारा ये है म्यूनसिपल फंड है उसमें से काम नहीं करना चाहिए, ये तरतूद गुंठेवारी कानून में है। अब गुंठेवारी कानून से हमारे पास गुंठेवारी 2017 में बंद कर दिया गया, उसके बाद जो है ना ये लोग रेगुलराइज हो सकते हैं ना इनको कोई सुविधा मिल सकती थी, लेकिन हमारे प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहब ने जो पालक मंत्री साहब और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी नगर विकास मंत्री को बार बार विनती की कि हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए ये कानून को दोबारा फोर्स में लाया जाए और हमने सही तरीके से एक प्रस्ताव दाखिल किया। हमारे पालक मंत्री साहब सुभाष देसाई साहब, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने हमारे जो ये प्रश्न है इसको सही तरीके से गंभीरता से लेके ये गुंठेवारी कानून फिर से लागू कर दिया सही अमेंडमेंट के साथ। उसमें जो कट ऑफ डेट है गुंठेवारी रेगुलराइज करने की वो पहले 1 जनवरी 2001 थी, तो अभी 31 दिसंबर 2020 तक के जो इलीगल मकानात है प्लाट्स है वो रेगुलराइज करने की अमेंडमेंट वो कानून में की गई है। तो ये हमारे लिए यानी इतना अच्छा मौका है कि हमारे सिटी में कोई मकान कोई प्लॉट इलीगल नहीं रहेगा और हमारा जो औरंगाबाद का सिटीजन है
वो फकर से बोल सकता है कि मैं इलीगल मकान में नहीं रहता हूँ। और ये जो मौका दिया है, ये गवर्नमेंट ने दिया है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। और उसी का एक पार्ट बोल के थोड़ा सा सख्ती से, हम पेश तो नहीं आए, हमने खाली ऐलान कर दिया कि भाई आप जरा आगाह कर दिया, मतलब हम तो कार्रवाई पे उतरे तो नहीं है अभी, लेकिन आपको आगाह कर दिया है कि भाई आप होशियार हो जाओ और आप डेवलपमेंट के प्रवाह में आप शामिल हो जाओ। और ये जिम्मेदारी नागरिक की पर भी है, ये कोई एक प्रशासन, एक कोई 10 आदमी मिलके शहर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जब तक आवाम का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, हम डेवलपमेंट नहीं पा सकते। तो इसीलिए आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि प्रशासक साहब का जो भी ऐलान है, उसको सही तरीके से आप ले लो, उसका सही मकसद आप समझ लो कि आपको गुंठेवारी करके लेना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हम पहले जो कमर्शियल एरिया है उसके ऊपर ध्यान देंगे, यानी कमर्शियल एरिया आप मुनाफा कमाते हो, आप बिजनेस करते हो, उसके बावजूद भी अगर आप सिटी के कंट्रीब्यूशन में नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब है आपका इंटेंशन डेवलपमेंट में शामिल होना नहीं है। तो इसी के बारे में साहब ने कहा है, कोई गरीब अगर समझो 2 रूम का घर बना के रहता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हमने आज सोची नहीं है, ना करने वाले हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश ये है कि उसको माननीय प्रशासक महोदय का जो भी ऐलान है, उसको सही तरीके से समझ के लेना चाहिए और आवाम ने उसमें शामिल होकर गुंठेवारी करा के लेना चाहिए, यही उसी का मकसद है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल पूछा जा रहा है कि नो डेवलपमेंट जोन में जो गुंठेवारी हो गई है उसको रेगुलराइज किया जाए। ये आदरणीय खासदार साहब और कोई एमएलए साहब, इन्होंने भी ऐसे निवेदन दिया है प्रशासन को, तो उसको हम कानून के तौर पर पूरा चेक करके, यदि अगर वो पॉसिबल है, तो हम बहुत जल्द से जल्द माननीय प्रशासक साहब की मंजूरी लेके एक उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम पूरा आपको ये नहीं दे सकते कि ये कब से लागू करेंगे, लेकिन कानूनी उसमें पूरा हम ये करके उसको करने की कोशिश करेंगे। ये जो सर, ये गुंठेवारी में मतलब गुंठेवारी करने के लिए लोगों को क्या खर्च आएगा? जैसे किसी का 600 का प्लॉट है, तो उसको कितना चार्जेस लगेगा, क्या लगेगा? एक मिसाल के तौर पर आप बताता हूँ मैं कि हमारे शहर में एक पैटर्न तैयार हुआ है इलीगल का, एक 20x30 का प्लॉट जो रहता है, 20 फुट बाय 30 फुट, यानी 600 स्क्वायर फीट, ये 600 स्क्वायर की फीट का प्लॉट है। और उसमें अगर रेजिडेंशियल बांधकाम है, उसका एक माले का बांधकाम है, तो उसको इसके पहले 10 से 15 हज़ार तक खर्चा आता था, ये बात है 2001 की। अब 19-20 साल के बाद अगर ये खर्चा 35 से 40 हज़ार तक गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि हम ये पैसा लेके क्या करने वाले हैं, हम पैसा क्यों ले रहे हैं ये? तो वो आप जिस एरिया से हो, वो इल्लीगल एरिया में जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे रोड है, ड्रेनेज है, और वहाँ की जो बाकी है, स्ट्रॉम वाटर है, ये सब चीज़ डेवलप करने के लिए जो खर्चा आ रहा है, वो 2001 के कंपैरिजन में आज अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1200-1300 रुपये स्क्वायर मीटर का खर्चा आ रहा है उसको। तो ये आप जो बढ़ोतरी देखते हुए, ये ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, आज का इंडेक्स मार्केट का देखते हुए ये ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसको लोग सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो 50% चार्जेस हम चार्ज कर रहे हैं, उसमें रेडी रेकनर के रेट का बेस लिया है, और वो जो अमाउंट आएगी उसके 50%, यानी तकरीबन ये 35,000 से मैक्सिमम 40,000 तक एक प्लॉट के लिए आ जाएगी। यदि उसमें अगर कोई कमर्शियल एरिया है, कोई एक दुकान है, तो उस दुकान के हद तक वो 100% आ जाएंगे, यानी थोड़ा दुगना हो जाएगा। कमर्शियल और रेजिडेंशियल का बायफर्गेशन किया जाएगा, और जो कमर्शियल एरिया है उसी हद तक वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगी, और जिसका पूरा रेजिडेंशियल है उसको तो 50% में होने वाला है। सर, जैसा आप ये बताए, चार्जेस तो कम लगेंगे
कमर्शियल रहा तो उसको बढ़ेंगे। सर जो लोग अभी कोरोना काल से उठे, मतलब पूरी तरीके से लोगों के भी कमाई भी चालू नहीं हुई, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना काल में काफ़ी नुकसान में रहे, उनके कारोबार बंद हो गए, तो सर ये लोगों को कुछ इसमें सुविधा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से, या इतने शॉर्ट नोटिस जो 15 दिन 16 दिन का टाइम मिला है उसमें लोगों करना है, नहीं तो कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी जो एक अफवाह फैली है, तो उसके ऊपर सर क्या बोलेंगे आप? मैं क्या, माननीय प्रशासक महोदय ने जो ऐलान किया है तो आप फाइल सबमिट करो ना, आप फाइल तैयार करके आ जाओ और आने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आप अगर सामने नहीं आएंगे तो आप खाली घर में बैठे रहेंगे और जो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ये स्कीम को, तो उन्हीं के वास्ते ये ऐलान किया गया है, और जो करना चाहते हैं उनके लिए महानगर पालिका उनके प्रॉब्लम्स को सोचने के लिए कटिबद्ध है। आप ये मत सोचिए कि हम ये इसको टोटली सरकारी तौर से हम देख रहे, नहीं, ये मिशन बोल के हम इस पे काम कर रहे हैं, और जब मिशन बोल के काम कर रहे हैं तो हम लोगों से इतने जुड़े वाले हैं कि उनके प्रॉब्लम्स ही हमारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसमें जो पैसे की बात है, पैसे वसूली की बात है, वो जो खर्चा है वो आपके एरिया में खर्चा होने वाला है, जितना जल्दी आप पैसा भरोगे उतनी आप सुविधा जल्दी पाओगे, ये आपका भी हक बनता है कि आपने, आप समझो 200 मकान में से 150 मकान ने गुंटेवारी करा लिया, आप इमीडिएट कॉर्पोरेशन को बोल सकते कि भाई हमारे रास्ते पहले बनाओ, हमारे सर ये रास्तों की बात को लेकर ही अगर देखा जाए तो ओल्ड सिटी, जो ओल्ड सिटी आता है अपने एरिया, ये एरिया तो खैर पूरा रजिस्ट्री का है, पर वहाँ पर भी रोड काफ़ी सालों से सही नहीं है, तो लोग इस पर भरोसा करेंगे कि गुंटेवारी भरने के बाद वो होगा? अच्छा सवाल आपने पूछा है कि ये जो कॉरपोरेशन चलती है तो ये कॉरपोरेशन नाम की कोई व्यक्ति है क्या? नहीं है। किसी के पॉकेट में पैसे है क्या? नहीं। आवाम जब इसके टैक्सेस पे करेंगे, जो भी इसको पेमेंट आएगी वो रिसीट्स के माध्यम से वो डेवलपमेंट करती है। ये कानून, गुंटेवारी के कानून में ये प्रावधान किया है कि जो एरिया से पैसे वसूल हो गए वही एरिया पे खर्चा हो गए। मिसाल के तौर पर एक कॉलोनी में 50 लाख अगर वसूल हो गए तो वहाँ 50 लाख खर्चा हो जाएंगे, लेकिन बाजू वाले कॉलोनी में लोगों ने जो अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने 2 करोड़ रुपए वो कॉलोनी से वसूल हो गए, तो 2 करोड़ रुपए की सुविधा हम उनको देने के लिए कटिबद्ध है, और लोगों का हक बनता है कि उन्होंने हमको ये करना चाहिए कि भाई ये पैसे हमारे आए वाले हैं, अभी ये सुविधा हमको चाहिए, ये भी इसके लिए भी आप जागरूक रहना ज़रूरी है। तो सर इसका मतलब ये हो रहा है कि ओल्ड सिटी जो है वहाँ से थोड़ा सा कम टैक्स आपको वसूल हो रहा है, इसलिए वो डेवलपमेंट रुका हुआ है? पैसे नहीं है। अच्छा, हर बात यहीं आके रुकती है कि आज कॉरपोरेशन की हालत खराब है। खराब है मतलब क्या है? टैक्सेशन जो देना चाहते लोग दे रहे नहीं, और अभी तक क्या हुआ, जब भी बॉडी यहाँ थी टैक्स की बात आ गई, प्रशासन ने 10-20% टैक्स भी बढ़ाया तो वो लोग क्या बोलते थे, लोगों की हमदर्दी लेने के लिए टैक्स बढ़ाना नहीं, पानी की पट्टी बढ़ाए पानी बढ़ाना नहीं, टैक्स बढ़ाना नहीं, टैक्स भरना नहीं, पैसा आएगा कहाँ से? और हर कोई डेवलपमेंट चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा एरिया बहुत साफ सुथरा पूरे सुविधा से भरपूर होना चाहिए, लेकिन ये जो कॉरपोरेशन का फंड है ये गंगाजली अगर खाली रहेगी तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगी, और ये भरने की जिम्मेदारी हमारी है, नागरिकों की है, और जो लोग पैसे भरेंगे उनका हक ये भी बन रहा कि हमारे से काम करा के भी लेना है, और हम बिल्कुल करेंगे। और सर ये जो ग्रीन जोन को लेकर जो चल रहा है, तो ग्रीन जोन का मतलब ये गुंटेवारी में कुछ है या फिर उसका आगे है प्रोसीजर, यही जो आप चालू किए इसी में ग्रीन जोन का भी करें कार्रवाई? अभी इल्लीगल डेवलपमेंट तो रिजर्वेशन में हो गई, इल्लीगल डेवलपमेंट रेसिडेंशियल में हो गई, इल्लीगल डेवलपमेंट ग्रीन जोन में हो गई। जो ग्रीन जोन में पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो गई, समझो एक मिसाल के तौर पर 4 एकड़ का एक इल्लीगल एरिया ग्रीन जोन में डेवलप हुआ है, प्रैक्टिकली वो तो दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पॉलिसी डिसीजन लेना ज़रूरी है।
हम जो मुलाजिम है कम हमारे लेवल पे इसके ऊपर कोई यानी अभी बोल भी नहीं सकते, लेकिन हम हमारा जो ओपिनियन है वो प्रशासन के सामने रखेंगे और उसके ऊपर सही माने उसके ऊपर डिसीजन हो जाएगा। सर ये जो अनाउंसमेंट हुआ इसके बाद कुछ लोग आए हैं आपके पास, कुछ टैक्सेस जमा हुए हैं गुंटेवारी में या? बिल्कुल रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन एक अथॉरिटी बोल के मैं आपको फिर से एक बात कर रहा हूँ कि जो जानबूझ के इसके तरफ नहीं देख रहे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना ज़रूरी है। अभी ये नहीं हम बोल सकते कि भाई ये डेडलाइन 31 अक्टूबर को कार्रवाई होगी या उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो कानूनी कागज़ तैयार करने की भी कुछ बात होती है वो करने में थोड़े 4 दिन 8 दिन 15 दिन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई तो ज़रूर मतलब आपका बोलना कार्रवाई तो होगी। किसके ऊपर होगी? जो लोग जानबूझ के इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सुविधा संधि देने के बाद भी आप समझ रहे नहीं। और कुछ लोग सर आएंगे जिनकी वाकई में ज़रूरत है कि वो लोग नहीं पे कर सकते, वो लोगों को कुछ आप सहूलत देंगे? सहूलत तो किसी को नहीं देंगे, सहूलत इसीलिए नहीं देंगे कि सहूलत का अगर सिलसिला चालू हो गया तो उसका कोई एंड नहीं है। आप चाहते कि 2 हफ्ते में करो, बाजू वाला चाहता 4 में करो, कोई बोलता माफ़ कर दो। ये सिलसिले अगर बढ़ते रहेंगे तो डेवलपमेंट तो होने वाली नहीं है, तो हम सहूलत तो देने वाले हैं ही नहीं, उसके ऊपर सोचना भी गलत बात है। तो जैसे कि देखा आपने सर ने काफ़ी डिटेल में हमको बताया है कि गुंटेवारी क्या है, ग्रीन जोन क्या है, तो बेहतर तो यही रहेगा कि आप लोग आइए यहाँ पे डिटेल लीजिए, आपकी डिटेल बताइए कि कॉर्पोरेशन ये कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।